आपको लूट लेंगे, आप घर पे भी ये कोडवार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अभी गाड़ी में ये दिक्कत आई थी, तो मैंने ये गाड़ी अपने उसकी अगर रबड़ कट जाती है तो वो क्या करती है कि एयर बनाती है और कूलेंट के डब्बे में से कूलेंट को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देती है और आपकी गाड़ी थोड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और टाटा नैनो के इन्फॉर्मेशन वीडियो पे। तो भाई लोग, आज हम बताएंगे कि अपने टाटा नैनो में हीटिंग जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, और हो सकता है हीटिंग प्रॉब्लम को अपने आप ही खुद उसको रिजॉल्व कर पाएं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, दो चार फैक्ट हैं जो हम आपको बताएंगे कि टाटा नैनो में हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो चलो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि जैसे होता है कभी कभी अगर अपनी गाड़ी अपन चला रहे हैं, काफी दूर तक अपनी गाड़ी चल रही है और 100-150 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी अगर अपन लेके जा रहे हैं एक धाप, ठीक है, और गाड़ी में अपनी में अगर यहाँ पे रेड साइन आ जाता है, ये जो साइन होता है गाड़ी गर्म होने का, ये वाला जो चाबी वाला साइन आ जाता है ना, तो होता क्या है कि अपनी गाड़ी गर्म हो जाती है। तो भाई इसका गर्म होने का एक कारण ये भी होता है कि जैसे अगर आप चल रहे हैं काफी देर तक चल रहे हैं, तो गाड़ी का इंजन है 624 BHP का इंजन होता है, तो गाड़ी गर्म हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें 10 मिनट के लिए करीब गाड़ी अपनी खड़ी करके रख देनी चाहिए और उसके बाद हम जब चलाएंगे तो हमारी गाड़ी फिर से चलने लगेगी। और भाई दूसरा कारण ये होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अपनी टाटा नैनो गर्म हो गई, ठीक है, तो उसका एक कारण ये भी होता है, हम फिर उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं मिस्त्री को और मिस्त्री उसके पंखे से छेड़छाड़ करता है, कहीं ये करता है कहीं वो करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है भाई, इसका जो फैन होता है ना वो ऑटोमेटिक चलता है, इसके सेंसर के अकॉर्डिंग वो चलता है, जब गाड़ी गर्म हो जाएगी तो भी वो तब उसका फैन चलेगा, जब गाड़ी ठंडी हो जाएगी तब उसका फैन नहीं चलता, यानी कि उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने ECU से बता देता है कि फैन उसको कब चलाना है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी अगर अपनी गर्म होती है और गाड़ी गर्म हो गई और पीछे से कूलेंट फेंक रही गाड़ी, ठीक है, तो गाड़ी पीछे से कूलेंट फेंकेगी तो आप तो परेशान हो जाओगे, भाई ये गाड़ी कूलेंट फेंक रही है, ठीक है, पूरा पानी निकलने लगेगा, तो हम फैन दिखाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, उस प्रॉब्लम का मैं सलूशन आपको बताता हूँ। जो अपना रेजिएटर होता है ना, रेजिएटर में क्या होता है, उसकी जो इसमें ये जो टाटा नैनो यूजर है जिनके पास टाटा नैनो ऑन कर रहा है, उनके पास सबके पास ये समस्या आती है, और सबसे ज्यादा समस्या टाटा नैनो में यही आती है, और बहुत छोटी सी समस्या है और इसका समाधान भी भाई बहुत छोटा है। तो हम आपको बताते हैं होता क्या है, कैसे रेजिरेटर में मान लीजिए अगर रेजिरेटर की जो ऊपर की ढक्कन होती है ना उसकी रबड़ कट जाती है, उसकी अगर रबड़ कट जाती है तो वो क्या करती है कि एयर बनाती है और कूलेंट के डब्बे में से कूलेंट को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देती है और आपकी गाड़ी थोड़ी दूर चलेगी गर्म हो जाएगी, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन है जो कूलेंट का, इस कूलेंट के ढक्कन को आप 100, ये देखिए ये जो रबड़ दिख रही ना, ये रबड़ इसकी कट जाती है, तो भाई इस रबड़ को, इस कूलेंट के ढक्कन को, ये ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपए का आता है, और इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो भाई आपकी गाड़ी फिर से चल पड़ेगी। और अक्सर कर मैं तो हमेशा ये अपने पास एक स्पेयर में रखता हूँ, और अक्सर कर इस गाड़ी में ये दिक्कत आती है, मतलब 6 महीने में ये आपका ढक्कन खराब हो जाना तय है। तो भाई अगर आपकी टाटा नैनो गाड़ी गर्म होती है तो भाई पहले इसको चेक कर लिया करो, उसके बाद कोई दूसरी चीज देखो। ये होता है गाड़ी जैसे अपनी गर्म होती है, दूसरा कारण ये होता है जैसे कि गाड़ी अपनी चल रही है और गाड़ी अपनी मिस फायर कर रही है, यानी गाड़ी पिकअप छोड़ रही है, पिकअप पकड़ रही है, गाड़ी को हम रेस दे रही है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं अपन मिस फायर होना। इस कंडीशन में भी अपनी गाड़ी गर्म होने लगती है, ठीक है, और गर्म हो जाएगी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, ये इंजन की कोडवायर होती है, ये दो कोडवायर होती हैं इंजन में, ठीक है, दो प्लग, इन्हें अपन प्लग कह लें या कोडवायर कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये होते हैं। होता क्या है कि ये जो है ना, इसमें अंदर इसमें करंट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ये स्पार्क प्लग से ये खराब हो जाते हैं, तो जब इनमें करंट नहीं पहुंच पाता है तो फिर गाड़ी हीट होने लगती है और गाड़ी फिर गर्म होने लगती है। तो भाई ये कोई बहुत ज्यादा कोडवार महंगी नहीं आती, 600 से 700 रुपए की कोडवार आती है, ये कंपनी का प्राइस मैं बता रहा हूँ, टाटा नैनो की जो ओरिजिनल कोडवार आती है, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है, आपके मिस्त्री आपको लूट लेंगे, आप घर पे भी ये कोडवार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अभी गाड़ी में ये दिक्कत आई थी, तो मैंने ये गाड़ी अपने मैंने तो हालांकि मिस्त्री सही करवाया था, लेकिन आप इसे खुद ही चेंज कर सकते हैं, आप एक स्कैनर ले लीजिए, उसमें अपनी गाड़ी में लगाइए तो पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में
क्या खराबी है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है, और ये छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, गाड़ी गर्म होने का, और ये टाटा नैनो में अक्सर कर होती रहती हैं। तो भाई, तो गाइस परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है, अगर आपकी गाड़ी गर्म होती है तो इनको चेक पहले जरूर कीजिए, उसके बाद कोई बड़ी चीज आप चेक कराइए। इसके बाद अगर आपकी ये गाड़ी, ये जैसे कोडवायर आपकी खराब हो गई, ठीक है, और आपने चेक कर लिया कोडवायर आपकी खराब नहीं है, आपने वो भी रेडिएटर की बॉल भी चेक कर ली, आपकी वो भी खराब नहीं है, तो उसके बाद चेक आती है आपके गैस्केट सिलेंडर की। तो अगर ये दोनों में से भी कुछ चीज सही नहीं हो रहा है तो आपकी डेफिनेटली गैस्केट खराब है, गैस्केट आप चेंज कराइए, उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, वो आपको जाके मैकेनिक के पास ही करानी पड़ेगी, लेकिन ये सिचुएशन है जो गैस्केट की, भाई बहुत बाद में आती है, उसके पहले ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये हैं आपके गाड़ी की हीटिंग के सबसे बड़े और छोटे दोनों कारण हैं। इन दोनों कारणों को आप पहले घर पे चेक कर लिया करो, उसके बाद फिर गाड़ी आप अपने मशीनरी मैकेनिक के पास आप लेके जाया करो। तो दोस्तों, अपने इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड यहीं पे, ठीक है। टाटा नैनो से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे आती रहेंगी, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे जो आने वाले समय में जो वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, जय हिंद।